भाईचारा तो हमने हमेशा दिखाया है ना, भाईचारा तो इन्होंने नहीं दिखाया। अगर ये भाईचारा निभाते हैं तो फिर क्यों ये थूका हुआ खाना खाते हैं और खिलवाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा धर्म पे ठेस पहुंचे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही। वो फल जहाँ जहाँ पे तैयार हुआ होगा वो हो सकता है कि मुसलमान का हो और हिंदू ला के बेच रहा है। आप कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि ये जो फल है वो हिंदू के बगीचे में हुआ है कि मुस्लिम के बगीचे में हुआ है? बात तो सही है। पिछली बार का सावन ले लीजिए ना, भूल गए क्या किस तरह गौ मांस को काट के फेंका गया था? ये कुत्ते के पिल्ले हैं, इनकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहेगी, ये सीधे नहीं हो सकते। आए हाय, नजर ना लगे। और ये जो मूत देते हैं, जो बोतल में भर के मूत पियो, जो जानवर का मूत देते हैं और कहते हैं जानवर की टट्टी खाओ गोबर। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बदबू, मेरा मतलब खुशबू पांडे के बारे में। खुशबू पांडे का ये कहना है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, लेकिन तभी नंदा राजपूत ने आकर उसको पूरा एक्सपोज करके रख दिया और कहा कि मुसलमानों का इस देश में काफी योगदान है। वीडियो में आप आगे यही देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। जब हम बात करते हैं कि गौ हमारी माता है तो ये अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, गौ मांस को काटने की बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर आते हैं तो यहाँ पे आके गौ मांस को खाने की बात करते हैं। इनसे हम भाईचारा निभाए, किस चीज के लिए भाईचारा की निभाने की बात कर रहे हैं आप? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे तू गोबर, तू जानवर की टट्टी भी खा लेगा, समझ गया ना? तू एहसान भक्त है। बिना चीनी के लपा लप खा जाएगा, समझे ना? उससे पेट भर रहा तुम्हारा, तुम्हें रोटी की जरूरत नहीं है। हमारा देश है, भाईचारा का देश है, हिंदुओं का देश है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? ये मुसलमानों का भी उतना ही देश, जिनका मुसलमानों का देश था वो ले चुके हैं, अब ये हिंदुओं का देश। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आप हिंदू हिंदू कब तक नौटंकी करोगे, कब तक मुसलमानों को तंग करोगे? भाई मुसलमान क्या नहीं दे रहा आप बताओ? फिरोजाबाद में देखो चूड़ियां बना रहा है मुसलमान, और उनकी चूड़ियां पहन रहे कौन? चूड़ी कौन सी महिला ज्यादा चूड़ियां पहन रही है? तुम्हारी माता बहना पाखंडियों की। नाम लगाने का किया है वो क्यों किया, आखिर इससे क्या कारण है? तो आप कारण स्पष्ट करिए कि भाई ये साफ है, हम सावन में लसन प्याज भी नहीं खाते और वो पूरी सावन में मुर्गा तोड़ते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, बाकी दिन प्याज के साथ मुर्गा और सब कुछ खा जाते हो। सावन है? में नहीं खाते हैं ना? तो सावन में नहीं खाते हो तो क्या हो गया आप? प्याज से क्या हो गया? प्याज से कोई वो है भाई? रोटी खाता है कि गोबर खा के आया पेट भर के, ये बता। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? तो दोस्तों देखा आपने, बदबू पांडे को प्याज और लहसुन से इतनी तकलीफ है और मुसलमानों से इतनी तकलीफ है कि उनकी बुराई करे बिगर उसका दिन ही नहीं निकलता। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और हाँ, ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने।